एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ एंड आगे हूँ आप सभी के साथ एक छोटी सी वीडियो लेके, जो कि है मेरा नाइट केयर रूटीन, जो कि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी आप सभी के साथ शेयर कर दूँ, बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं सोच रही हूँ आज आप सभी के साथ ही शेयर कर देती हूँ। सो सबसे पहले मैं नाइट में भी बात लेती हूँ एंड अभी जस्ट मैं नहा के आ रही हूँ, और नहाने के बाद आप सभी को मैं ये दिखा रही थी कि देखिए नाइट है, और ये वीडियो मैं नाइट में ही शूट कर रही थी एंड मैं जो नाइट सूट होता है वो भी मैंने पहन लिया हुआ था, बिकॉज़ नाइट में भी बात लेना बहुत ज़रूरी हो गया है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो हमारी बॉडी है जितनी भी स्वेटिंग होती है उससे हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट करती है, और उसके लिए बात लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोग भी चाहो तो अपने रूटीन में इसे ऐड ज़रूर करो एंड जितने लोग करते होंगे वो बहुत सही है। और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, दिन में एक बॉटल पानी मैं एक घंटे में पी लेती हूँ, ये मेरा डेली का रूटीन होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ वीडियो स्टार्ट करूँगी वाटर पीने से, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अभी भी मैं जब भी वीडियो शूट कर रही हूँ मैं पूरे पसीने से भीग चुकी हूँ, क्योंकि मुझे ना ही कूलर यूज़ करना है ना ही फ़ैन यूज़ करना है, तो इतनी ज़्यादा गर्मी है कि जितना हो सके अपने आप को हाइड्रेट करके रखो। एंड पानी पीने से क्या होगा कि हमारे फेस पे ग्लो तो आता ही है, साथ ही हमारी बॉडी भी बहुत सही वर्क करता है एंड हाइड्रेट रहता है, और आपको मोटिवेट भी करेगा। पानी पीने से क्या होता है कि हमारा माइंड भी सही वर्क करता है एंड आप मोटिवेट भी होते हो। सो थर्ड स्टेप मेरा क्या रहता है कि मैं रात में सोने से पहले अपने हेयर को कॉम ज़रूर करती हूँ, रोज़ का मेरा ये काम है, हेयर को कॉम ज़रूर करती हूँ मैं सोने से पहले, ये ठंडी हो या फिर गर्मी हो, क्योंकि जब मैं जूड़ा बना के सोती हूँ तो मुझे कंफर्ट फील नहीं होता है, और जब मैं चोटी बना के सोती हूँ तो बहुत ज़्यादा कम्फर्ट में सो भी लेती हूँ, एंड जो मेरे हेयर हैं बहुत कम टूटते हैं, इसलिए मैं इसे यूज करती हूँ। एंड जो नॉर्मल रबड़ होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे स्किप करो, एंड ये जो स्क्रंची होता है इसे यूज करो, क्योंकि स्क्रंची से क्या होता है कि इसमें हमारे हेयर नहीं फंसते हैं, और उसके कारण हेयर फॉल बहुत कम होता है एंड हेयर टूटते भी बहुत कम है। सो आप भी इसे फॉलो ज़रूर करो। एंड फोर्थ स्टेप है जो कि है मेरा रोज़ वाटर विथ राइस वाटर। सो मैंने जो राइस को पूरी रात भिगो के रखा हुआ था और जो उसके वाटर थे उसको मैंने छान के रख लिया हुआ था, उसके साथ मैंने उसमें ऐड किया था रोज़ वाटर एंड ग्लिसरीन, उसी का मैंने टोनर बनाया हुआ है और उसको मैं एज ए टोनर यूज करती हूँ डेली में। मेरा यही है, मैं रोज़ वाटर ही यूज़ करती हूँ सिंपल सा, और इसे मैं यूज करने से क्या है कि फेस पे जितने भी दाग धब्बे हैं वो सच में रिमूव होते हैं एंड हमारे फेस को पिंपल से बिल्कुल दूर रखता है। मैं जब से इसे यूज कर रही हूँ मेरा फेस बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा है एंड मेकअप जो कि मैं डेली भी करती हूँ। नेक्स्ट मैं अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे एलोवेरा जेल जो कि है पतंजलि का, और पतंजलि का एलोवेरा जेल बहुत सही है, आप लोग भी चाहो तो पतंजलि ही यूज करो। एंड ये बहुत ज़्यादा हॉट था क्योंकि मैंने इसको फ्रिज में रखना मैं भूल गई थी। मेरा जो रोज़ वाटर है, मैं जितने भी मेकअप होते हैं मैं फ्रिज में रखती हूँ, और इसको मैं बाहर ही रख दी थी, इतना ज़्यादा हॉट था, ओ माय गॉड, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि फेस पे कुछ जल रहा है, बट क्या करूँ, यूज़ तो इसे करना ही था, इसलिए मैंने इसको अच्छे से यूज़ अप्लाई कर लिया था। एंड इसको मिक्स करने के बाद बारी आएगी मेरी मॉइस्चराइज़र की, जो कि है मेरी ऑल टाइम फेवरेट बायोटिक का मॉइस्चराइज़र, और मेरे फेस के लिए बिल्कुल परफेक्ट मॉइस्चराइज़र है ये। मैं बहुत लॉन्ग टाइम से इसे यूज कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम से, और इसका वर्क तो ओ माय गॉड, बट एक गलती हो गई है मुझसे, इसे मैं विंटर में यूज़ करती हूँ, समर सीजन में यूज़ नहीं करती हूँ, बट मैंने इसको ऑर्डर कर लिया था और फिर आ भी गया था, तो मैंने सोचा इसको ही यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि जो मेरा जॉय का मॉइस्चराइज़र वो भी ख़त्म हो गया था, क्योंकि मैं जॉय का फेस वॉश भी यूज़ करती हूँ, साथ ही मैं जॉय का समर सीजन में मैं जॉय का फेस वॉश भी यूज करती हूँ एंड जॉय का मॉइस्चराइज़र भी, जो कि मेरे फेस के लिए बहुत सही रहता है, सूट करता है, इसलिए मैं इसे यूज करती हूँ। एंड अभी मेरे पास बायोटिक का था तो मैंने आप सभी के साथ वही शेयर कर दिया, एंड रीजन भी मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया क्योंकि मेरे पास अभी जॉय का ख़त्म हो गया, मैंने ऑर्डर किया हुआ है, देखते हैं कब आता है, उसके बाद मैं इसे आप सभी के साथ इसका रिव्यू मैं दिखाऊँगी। और नेक्स्ट क्या होता है, मैं लिप बाम यूज़ करती हूँ जो कि 10 रुपीज़ का आता है, बहुत मीनिंग सा, ये तो आप सबको याद होगा, हमारे स्कूल टाइम से हमारे साथ में रहता है, और ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली लिप ग्लोज है, क्या बोलूँ इसको, मैं तो लिप ग्लोज ही बोलती हूँ, और इसे ही मैं यूज़ करती हूँ। इसी के साथ मेरा पूरा प्रॉपर स्किन केयर रूटीन कंप्लीट होता है।
आप लोग चाहो तो नाइट में आइसिंग भी कर सकते हो फेस पे, बट मेरे लिए इतना ही काफ़ी है और यही रहेगा मेरा आज का नाइट रूटीन। एंड ये मेरा समर सीजन नाइट रूटीन है, क्योंकि विंटर में तो सबका ही डिफरेंट रहता है। सो गाइस, कैसा लगा आप सभी को मेरा ये वीडियो? आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई हो, एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चाहिए प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, और पानी पीते रहिए प्लीज़। अब है बारी विदा लेने की, तो गुड नाइट।